तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने फेसबुक आईडी से अपने इंस्टाग्राम आईडी को लिंक करना चाहते हैं यानी जोड़ना चाहते हैं तो कैसे आप अपने फेसबुक आईडी से अपने इंस्टाग्राम आईडी को जोड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने फेसबुक आईडी से अपने इंस्टाग्राम आईडी को लिंक करना यानी जोड़ना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने फेसबुक आईडी से अपने इंस्टाग्राम आईडी को लिंक करने के लिए यानी जोड़ने के लिए ऊपर जो आपको 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। इस वाले इंटरफेस को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करते हैं आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका फेसबुक आईडी देखने को मिल जाता है। अब इस आईडी से आप अपने जिस भी इंस्टाग्राम आईडी को लिंक करना चाहते हैं उसे लिंक करने के लिए यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक आईडी के नीचे यहाँ पे हमारे जितने भी इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, आप अपने जिस भी इंस्टाग्राम आईडी को अपने फेसबुक आईडी से लिंक करना चाहते हैं उस वाले आईडी को टिक कर देना है। चलिए हम ऊपर वाले आईडी को जोड़ना चाहते हैं तो नीचे वाले को अनटिक कर देते हैं और अपने इंस्टाग्राम आईडी को टिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यस फिनिश एडिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी जुड़ चुका है। और जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसका फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना है, एक सेटिंग कर लेना है। चलिए वो वाला सेटिंग हम यहाँ से बैक करके दिखाते हैं। बैक करके यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आपको क्या करना है, अपने फेसबुक आईडी पे क्लिक करना है। फेसबुक आईडी पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे योर फेसबुक स्टोरी, योर फेसबुक पोस्ट, योर फेसबुक रील, इस तीनों सेटिंग को ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद यहाँ पे रील्स वाले ऑप्शन को भी सेटअप पे क्लिक करके अलाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही अलाउ करेंगे ये तीनों यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप अपने फेसबुक आईडी में जब भी कोई स्टोरी लगाएंगे या फिर कोई पोस्ट करेंगे या फिर रील्स अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक आईडी का पोस्ट, रील और स्टोरी आपके इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने फेसबुक आईडी से अपने इंस्टाग्राम आईडी को लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।